वरना वहीं से हमें का पैगाम पहुंचा देना। सुभान अल्लाह। अब प्याला लेकर गया, वो भी प्याला कोई बहुत बड़ा नहीं था, यही प्याला था जिसमें हम लोग खाते पीते हैं, यही प्याला ले गया। देखा पुलिस खड़ी है, वहीं से ऐलान कर दिया, ए आना सागर का पानी, तुमको गुलामे नबी मईनुद्दीन गरीब नवाज में बुलाया। सुभान अल्लाह। ईमान वालों, अब इतना सोना था आना सागर का पानी अगर बादशाह के महल में था वो भी सिमट के चला आया, मेहमान खाने में था वो भी सिमट के चला आया, आना सागर का पानी महल सराय में था वो भी सिमट के चला आया, बादशाह की बीवियों के महलों में था वो भी सिमट के चला आया, पूरे अजमेर का पानी सिमट कर गरीब नवाज के प्याले में आ गया। ईमान वालों, जब पूरा पानी आ गया सिमट कर कर, तो अब मैं आपको बताऊं, पृथ्वीराज चौहान इसकी फौजें बड़ी ताकतवर थी, बड़ी कुवत वाली थी, वो प्यासा हुआ, तिल मिला के उठा, कहा वजीर पानी लाओ, वजीर आगे बढ़ा, मटका खोला, कहा बादशाह पानी नहीं है, कहा हरम सला में चले जाओ, कहा वहां भी पानी नहीं है, कहा महल में चले जाओ, कहा वहां भी पानी नहीं है। अब बादशाह बड़ा हैरान, या माजरा क्या है, तो वजीर बड़ा होशियार था, उसने कहा बादशाह जिस बाबा पर पानी तुमने बंद किया था उसने पूरे अजमेर पर पानी को बंद कर दिया है। सुभान अल्लाह। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ के मुसलमानों, मेरे आका गरीब नवाज ने रब के हुक्म को माना है तो पानी के कतरे कतरे पर, जमीन के जर्रे जर्रे पर गरीब नवाज का हुक्म चल रहा है। सुन्नी मुसलमान पूरे खत्ते पर गरीब नवाज का हुक्म चल रहा है, उनके पास गरीब नवाज के पास यही चमड़ा यही हड्डी, पृथ्वीराज चौहान के पास यही चमड़ा यही हड्डी, उसके पास तो फौजों का तूफान, मोटे मोटे हाथी सब मौजूद थे, लेकिन ईमान वालों गरीब नवाज ने रब के हुक्म को माना है, पूरे दुनिया के पैदा करने वाले परवरदिगार के हुक्म को तस्लीम किया है। अब बादशाह बड़ा होशियार था, उसने वजीर से कहा वजीर चले जाओ, बाबा बड़ा दयालु है, उससे तुम पानी मांगोगे भीख पानी अता फरमा देगा, अल्लाह बगैर पानी के मामला खराब हो जाता है। आजकल देखो बारिश नहीं हो रही, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जल्द ही रब के करम से नबी के सत्ते में बेपनाह बारिश होगी। सुभान अल्लाह। ईमान वालों, अब वजीर नंगे पैर दौड़ा हुआ मेरे गरीब नवाज के सामने आया, खड़ा हुआ, कहा बाबा पानी अता फरमा दीजिए, बड़े दयालु हैं आप। तो मेरे गरीब नवाज ने मुस्कुराया और फरमाया बैठ जाओ। जैसे वो बैठा ऐसे जमीन ने उसको पकड़ लिया, अब ना वो भाग सकता है, ना वो खड़ा हो सकता है, ना वो लेट सकता है, बैठा है, खाली देख रहा है गरीब नवाज को। ये मेरे आका गरीब नवाज की हुक्मरानी है। सुभान अल्लाह। ईमान वालों, बादशाह बाप परेशान, दूसरे वजीर को भेजा, क्या हुआ, वो भी दौड़ता हुआ आया, गरीब नवाज ने फरमाया बैठ जाओ, वो भी बैठ गया, अब जमीन छोड़ नहीं रही है। तीसरा वजीर आया, वो भी बैठा, बैठा ही रहा। ईमान वालों, अब पृथ्वीराज चौहान खुद नंगे पैर अपने महल से निकलकर दौड़ता हुआ चला आया, देखा हमारे वजीरों का हाल बड़ा खराब है, उसने कहा है मेरे आका मैं अजमेर का राजा पृथ्वीराज चौहान हूँ, आप राजा नहीं महाराजा हैं।
आका पानी की भरी।